नमस्कार, मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भी जीत का दावा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों जोबट, रोगाव और पृथ्वीपुर पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। इसके पहले ही एमपी, बीजेपी और कांग्रेस ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 अक्टूबर को होगा मतदान, कांग्रेस का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने खंडवा लोकसभा सीट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, जोबट विधानसभा सीट और रेगांव विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम घोषणा किए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है और एमपी कांग्रेस ने तो चारों सीटों पर जीत का दावा किया है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर उपचुनाव के 30 अक्टूबर को मतदान होगा। आज फिर 6 नए पॉजिटिव एक्टिव केस, 100 से पार। गृह मंत्री का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना का कहर भी जारी है। आज मंगलवार को फिर 6 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और राहत भरी खबर यह है कि 12 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। इसके बाद संक्रमण की दर बढ़कर 0.01% पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.60% है। इसके पहले सोमवार को 8 केस सामने आए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 6 नए मामले सामने आए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, 10 जिलों के छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल सरकार इस साल मध्य प्रदेश में 11 नए शासकीय महाविद्यालय की स्थापना करेगी। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री, क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में 11 नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने कहा है कि नए शासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश के देवास, सतना, छतरपुर, सागर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी और अनूपपुर में खोले जाएंगे। उपचुनाव से पहले छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री शिवराज देंगे 264 करोड़ का लाभ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न जिलों सहित विभिन्न विभागों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। कई जिलों में नवीन कार्य सहित लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज छात्रों को बड़ी राहत देने का काम कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण शिवराज करेंगे। 264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवनों से छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश में 28 सितंबर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। देर शाम मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषाहार आहार सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं माना जा रहा है कि आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा। शिवराज सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। प्रॉपर्टी रेट और बैंक लोन की दरें कम, खरीद लीजिए सर्वश्रेष्ठ महामहूर्त। आगामी त्यौहार समय न केवल उत्सव मनाने के लिए बल्कि खरीददारी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ व महामहूर्त है। प्रॉपर्टी की कीमतें इन दिनों स्थिर हैं, वहीं होम लोन की दरें भी काफ़ी कम हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो नवरात्र के शुभ दिनों में प्रॉपर्टी की बुकिंग व खरीद कर सकते हैं। इसके लिए तमाम बिल्डर्स द्वारा विशेष छूट भी इन दिनों दी जा रही है। सोमवार को नई दुनिया कार्यालय में त्यौहारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर्स व उनके प्रतिनिधि शामिल रहे। 53 करोड़ वसूलने सरकारी विभाग पर बिजली अफसरों की नज़र। शहर में माह के आखिरी दिनों में राजस्व वसूली चुनौती बन गई है। शहर से सितंबर में वसूली 53 करोड़ रुपए करनी है। इधर अमले ने अभी तक 30 करोड़ के आसपास राजस्व जुटा लिया है, लेकिन लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए अब विभाग को सरकारी महकमे से उम्मीद नज़र आ रही है। विभागों पर दबाव बनाने के लिए सप्लाई को बंद करने की तैयारी हो रही है। शहर में बिजली कंपनी के लिए नगर निगम, वाटर वर्क्स, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा जरिया है। विभाग की तरफ से कार्यपालन अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और लाइन स्टाफ विभागों में बिजली बिल जमा करने के लिए संपर्क कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में बदला गुलाब, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान आगे बढ़कर आपदाब के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वर्तमान में यह सिस्टम तेलंगाना के पास बना है, इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी इंदौर से होकर गुजर रहा है। इधर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस वेदर सिस्टम के बुधवार से आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलवार बुधवार को इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभागों के जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। भोपाल संभाग के जिलों में दोपहर के बाद बादल गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज आमने सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स। टॉप फोर में स्थिति मजबूत करने उतरेगी कोलकाता की टीम। दिल्ली की नजरें फिर नंबर वन पर। आईपीएल के 14वें सीजन के 41वें मैच में मंगलवार को शारजहां में दिल्ली कैपिटल्स, डीसी और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम आमने सामने होगी। शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली इस मुकाबले में केकेआर को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। रोहित शर्मा और केएल राहुल की टीम में बड़ा दंगल। अबूधाबी में आज किसका होगा मंगल। आईपीएल 2021 के 42वें मैच में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से अबूधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीज़न में मुंबई इंडियंस चैंपियन की तरह नहीं खेली है। यूएई आने के बाद से टीम को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पंजाब को प्लेऑफ की दौड़ में बन रहने के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है। हैदराबाद ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। सनराइजर्स ने 165 रनों के लक्ष्य को 18.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।